कक्षा 4 विषय गणित में हम पढ़ रहे थे साधारण भिन्न। आज हम पढ़ेंगे साधारण भिन्न में मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना, तो इसमें आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है और उसके द्वारा इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे कि मिश्र मिश्र भिन्न के पूर्णांक मिश्र भिन्न के पूर्णांक को हर से मिश्र भिन्न के पूर्णांक को हर से गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे। ये आपका पहला पॉइंट कि जो भी आपको मिश्र भिन्न दे रखी है उसके पूर्णांक को हर से गुणा कर देंगे। सेकंड बात है आपकी, इसके बाद यानी गुणा करने के बाद, गुणा करने के बाद गुणनफल में भिन्न के गुणनफल में भिन्न के अंश जोड़कर, यानी जो अंश दे रखा है आपको उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अंश जोड़कर प्राप्त प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या इसके बाद देखिए, सबसे पहले तो क्या करोगे, मिश्र भिन्न का जो पूर्णांक होगा उसको आपको हर से क्या करनी है, गुणा करनी है। गुणा करने के बाद जो गुणनफल होगा उसमें भिन्न के अंश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। फिर प्राप्त संख्या विषम भिन्न प्राप्त संख्या विषम भिन्न का अंश होती है। अंश होती है और मिश्र भिन्न का हर, मिश्र भिन्न का हर विषम भिन्न का हर होता है। हम तीन बातें हैं देखिए इसमें। सबसे पहले मिश्र भिन्न के पूर्णांक, जो आपको पूर्ण संख्या जो दे रखी होगी को हर से क्या करनी है, गुणा करनी है। पूर्णांक को हर से गुणा करने के बाद जो गुणनफल आता है उसमें भिन्न के अंश जोड़कर, क्या जोड़कर, अंश को जोड़कर प्राप्त विषम भिन्न का अंश होती है, प्राप्त संख्या विषम भिन्न का अंश होती है। और जो मिश्र भिन्न का हर होता है वही विषम भिन्न का हर होता है। तो देखिए इसका एक सूत्र बनता है, ध्यान से देखना इसको, यानी विषम भिन्न बराबर, जैसे सबसे पहले का पूर्णांक, तो ये पूर्णांक, इस पूर्णांक को हम क्या करेंगे, इनटू हर से गुणा कर देंगे।
और फिर क्या करेंगे इसमें इस अंश को जोड़ देंगे तो प्लस अंश बट्टा जो हर संख्या होगी वह अपने स्थान पे रहेगी। तो इस सूत्र को आपको ध्यान रखना है, विषम भिन्न निकालने के लिए पूर्णांक को हर से गुणा करेंगे और उसमें फिर अंश को जोड़ देंगे और हर अपने स्थान पे रहेगा। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, यानी उदाहरण के द्वारा। मैंने संख्या ली, मान लीजिए 3 सही 7 बटे 5। अब देखिए इसके अंदर जो 3 दे रखा है ये तो है आपका पूर्णांक, ये तो 5 दे रखा है ये है आपका हर, और ये 7 दे रखा है ये है आपका अंश। यानी सही की तो संख्या होती है वो पूर्णांक होती है, अंश और हर आपको पता ही है। तो अब आपको इसका क्या निकालना है, विषम भिन्न में बदलना है। तो देखिए ध्यान से, जैसे संख्या थी हमारा 3 सही 7 बट्टे 5, अब इसको विषम भिन्न बदलना है। तो सूत्र आपके पास ये रहा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ पूर्णांक, और पूर्णांक कितना बताया मैंने आपको 3, इंटू क्या करना है हर से गुणा, तो हर कितना है हमारे पास 5, ये ब्रैकेट बंद, फिर प्लस अंश, अंश कितना है आपका 7 बट्टे, और हर आपके स्थान पे ही रहेगा वापस 5। तो 3 को 5 से गुणा करना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, इसमें आपको 7 जोड़ना है बट्टे 5, तो 12 15 में 7 जोड़ेंगे तो 16 17 18 19 20 21 22 22 बट्टे 5, और ये आपका आंसर। तो ये 22 बट्टा 5 है, ये क्या निकला विषम भिन्न। तो आज हमने विषम भिन्न के बारे में पढ़ा, आप इन पॉइंटों को पढ़ो, सूत्र को समझिए और आपके पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के अनेक प्रश्न दे रखे हैं उनको हल करने का अभ्यास कीजिए।